दोस्तों इस निर्देशक ने सलमान खान का पकड़ा था कॉलर और खाई थी सलमान खान की मार। दोस्तों बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम तो नहीं लगती। हर बार किसी न किसी मुसीबत में सलमान खान जाने अनजाने आ ही जाते हैं। ऐसे एक किस्सा सलमान खान के साथ हुआ था जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जरा मैं भी तो देखूं क्या खास बात है उसमें। कुछ आरोपों में से सलमान पर एक आरोप ये भी लगा था कि उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को मारा था, जबकि सलमान खान का इसके बारे में कहना है कि उन्होंने अभी तक सिर्फ एक ही आदमी पर हाथ उठाया था जिसका नाम है सुहास घई। वैसे तो सुहास घई और सलमान की दोस्ती के किस्से काफी मशहूर हैं, मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक दफा सलमान ने सुहास घई को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सलमान ने इस घटना का जिक्र भी किया था। ये उस समय की बात है जब सलमान और ऐश्वर्या के बीच ब्रेकअप हो चुका था और मीडिया में खबरें आ रही थी कि सलमान खान ने ऐश्वर्या राय के साथ मारपीट की है। इस सिलसिले में जब मीडिया से बातचीत के दौरान सलमान ने इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में केवल एक ही बार हाथ उठाया था और वो भी सुहास घई पर, क्योंकि उन्होंने सलमान को परेशान कर दिया था। दरअसल किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई थी जिसमें सुहास घई ने सलमान खान का कॉलर पकड़ लिया था, उनकी ओर चम्मच फेंका था और मुंह पर प्लेट तोड़ने वाले थे। इस पर सलमान को गुस्सा आ गया था और उन्होंने सुहास घई को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। अगले दिन सलमान के पिता सलीम खान ने सुहास घई से फोन पर माफी मांगी और कहा कि सलमान एक घंटे में पहुंच रहा है। सुहास घई घर पहुंचकर सलमान खान ने उनसे माफी मांगी और कहा, मैं पापा की वजह से आया हूं और मैंने गलत किया है। इसके बाद सलमान खान ने सुहास घई के साथ साल 2006 में उनकी फिल्म युवराज में काम किया। इसी फिल्म के एक सीन में सुहास घई ने सलमान के इस अंदाज को दिखाया भी था। एक सीन में एक म्यूजिशियन जब फिल्म की अभिनेत्री कैटरीना कैफ को देखकर मुस्कुराता है तो सलमान को बुरा लगता है, जिसके बाद वो म्यूजिशियन का वायलिन तोड़ देते हैं, जबकि अगले दिन सुबह उससे माफी मांगते हुए उससे एक नया वायलिन गिफ्ट भी करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपनी राय विचार प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।